आज सासाराम के वार्ड नंबर 34 में सफाई कर्मियों का वहां के निवासियों द्वारा दिल से सम्मान करते हुए वहां की महिलाओं में तिलक चंदन की रोड़ी लगाते हुए उनकी आरती उतारी और उनको माला भी पहनाई। साथ ही वहां के लोगों ने उन पर फूल की बारिश की। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सफाई कर्मी अपने ऊपर फूल की बारिश देख गदगद हो गए और उन्हें काम करने में और जोश आ गया। सुकांति देवी बोल रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन में जो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिनको सम्मान दे रहे हैं, यह सम्मान के पात्र हैं। कोरोना में भी जो समाज के लिए वे लोग ये कार्य है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। अतेंद्र सिंह ने कहा कि जो सफाई कर्मी हमारे वार्डों में घूम के सफाई कर रहे हैं, वे काबिले तारीफ है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वे कम है। उनको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी सेवा समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम लोग एहसानमंद हैं। विमल कुमार ने कहा कि ये वार्ड नंबर 34 के जो सफाई कर्मी साफ कर रहे हैं, उन्हें हम लोग माला देकर सम्मानित किए हैं। कोरोना महामारी में भी आकर बिना डर के हम लोग के सारी गंदी को सफाई कर रहे हैं, इनको सलाम है। मेरा कोरोना वायरस के चलते दहशत के बीच लोग घरों में दुबक चुके हैं, वहीं शहर के में सफाई कर्मियों द्वारा निरंतर सेवा दी जा रही है। सड़कों की सफाई करने के लिए कूड़ा एकत्रित कर शहर को साफ रखने में जुटे इन सफाई कर्मियों का आज सासाराम नगर 34 वार्ड में लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और यहाँ की महिलाओं के द्वारा उन्हें तिलक आरती और फूल की मालाएं पहनाई गई। इसी दौरान अतेंद्र सिंह ने कहा, कोरोना के चलते लोग एक दूसरे से नजदीक आने से भी कतरा रहे हैं, जबकि सफाई कर्मी वास्तव में मानवता की सेवा को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए अपने अपने इलाके में सफाई कर्मियों को सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित करने की सलाह दी थी। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना नगर पालिका के 100 से अधिक कोरोना के कर्मवीर यानी सफाई कर्मचारी कस्बे के हर वार्ड में सफाई व्यवस्था को माकूल बनाए हुए हैं। नगर की गलियों, बाजारों, सड़कों, चौराहों तथा नालियों को साफ स्वच्छ रखे हैं। आज न्यू एरिया वार्ड नंबर 34 में जमादार पुष्पेंद्र घुसर कालू हरिजन की अगुवाई सफाई कर्मी जब वार्ड की सफाई करने पहुँचे तो वार्ड वासियों ने सभी सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मियों के तिलक निकालकर माला पहनाते हुए उनका दिल से स्वागत सम्मान किया गया। विमल सिंह ने बताया कि ऐसी भयंकर महामारी में सफाई कर्मी अल सुबह 4 बजे अपने घरों से निकलकर गली मोहल्ले को लोग सड़कों में आने से पूर्व साफ सफाई करके नगर को स्वच्छ बना रहे हैं। ऐसे जामबाज कोरोना सेनानियों, सफाई कर्मियों से जुड़े लोगों का ऐसे समय में सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। सासाराम से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। ये पूरे नगरवासियों के सेवा में लगे हैं। ये कर्मचारी जो पूरे नगरवासी नहीं, पूरे भारत वर्ष में सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनके और हौसला को बढ़ाने के लिए हम लोग आज इनको जो है कि माला देकर सम्मानित किए, माला पहनाए। हमारे वार्ड पार्षद द्वारा इनको दीपक भी दिखाया गया और मास्क दिया गया, हौसला बढ़ाने के लिए कि ये लोग और जो है कि हौसला बढ़े और सफाई पर ध्यान देंगे, ताकि कोरोना में फूल दीपक जला के अच्छे तौर द्वारा हम लोग को सम्मानित किए हैं। साबुन मास्क दे के इन लोग को जागरूक किए हैं कि लॉकडाउन में एक दूसरे से दूरियां बनाते हुए भी समाज में सेवा करने के लिए इन लोग आतुर है। तो करके हमारे सफाई कर्मी समाज की जो सेवा कर रहे हैं, वह उनका योगदान जो है काबिले तारीफ है, और ऐसा मैंने उनको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपके सेवा जो है समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है और उसका कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ आदर देकर ही हम लोग उनको